मैग्नेट इंड्यूशन की, विद्युत चुंबक के प्रेरक की बात कर रहे थे इस चैप्टर्स में, जो प्रीवियस लेक्चर्स में थे हमने फैराडे लॉ, लेंज लॉ, फिर उनके कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर ली थी। अब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स लेंगे। सपोज हमने यहाँ पे एक यूनिफॉर्म कंडक्टिंग रॉड ले रखी है, वो लाइनर मोशन करेगी, फिर रोटेटिंग मोशन करेगी, फिर हम एक डिस्क कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम एक रेक्टेंगुलर लूप लेंगे। तो हम डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स लेंगे और ड्यू टू मोशन क्या फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट इंड्यूशन, ठीक है। या हम बोल सकते हैं EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेट इंड्यूशन की बात कर रहे हैं, विद्युत चुंबक के प्रेरण की बात करेंगे, ठीक है, या विद्युत वाहक बल भी हम इसे कह सकते हैं। तो हमारा आर्टिकल तो एक कॉमन होगा कि हमें हर केस में प्रेरित इंड्यूस्ड वोल्टेज की बात करनी है या ईएमएफ की बात करनी है, बस डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल होंगे। एक बार हम कंडक्टिंग रोड ले लेंगे, फिर हम एक बार रेक्टेंगुलर लूप ले लेंगे, एक डिस्क ले लेंगे। तो हम डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स लेंगे और हर टाइम क्या फाइंड आउट करना है, सर इंड्यूस्ड वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे या प्रेरित वोल्टता हम फाइंड आउट करेंगे। इस कड़ी में हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है वो है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कंडक्टिंग रॉड। एक कंडक्टर रॉड है जिसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है। मूविंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, हमें एक कंडक्टर रॉड है, एक कंडक्टिंग रॉड है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रही है, मूविंग पोजिशन में है। क्या है, मूविंग पोजिशन में है, मूव कर रही है। तो इसकी मूविंग के कारण, इसके मूविंग के कारण इस कंडक्टिंग रोड में कितना इंड्यूस्ड वोल्टेज डेवलप होगा, कितना इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगा, वो हमें फाइंड आउट करना, ठीक है। एक कंडक्टिंग रोड है जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रही है, सर मूविंग पोजिशन में है, क्या कर रही है, सर मूव कर रही है, ठीक है। तो इसकी मूविंग के कारण इस कंडक्टिंग रोड में कितना इंड्यूस्ड, ठीक है, वोल्टेज डेवलप होगा, वही हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमारा आर्टिकल क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कंडक्टर रोड मूविंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, या हम बोलेंगे समान चुंबक के क्षेत्र में गतिशील चालक छड़ के कारण, समान चुंबक के क्षेत्र में गतिशील चालक छड़ के कारण उत्पन्न प्रेरित वोल्टता, या बोल दीजिए विद्युत वाहक बल। तो आर्टिकल सिंपल सा है कि हमें एक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लेना है जो कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो सबसे पहले एटफर्स्ट हम क्या करेंगे, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर करेंगे और उसमें एक कंडक्टिंग रोड को क्या करेंगे, मूविंग पोजिशन में लेकर आएंगे और उसके मूविंग के कारण उस कंडक्टिंग रोड में कितना इंड्यूस्ड वोल्टेज डेवलप होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट अस कंसीडर, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर एट फर्स्ट हम लोग एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर करते हैं। तो लेट अस कंसीडर हियर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है आपका, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन कहां पर है, जो कि इस प्लेन, इस बोर्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, बोर्ड के परपेंडिकुलर है, या तो आउटवर्ड डायरेक्शन में या फिर इनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर किया है जिसकी डायरेक्शन कहां पर है, इस प्लेन, ये जो हमारा प्लेन है, ये जो हमारा बोर्ड है उसके परपेंडिकुलर है, आउटसाइड या इनवर्ड, ठीक है। तो लेट अस कंसिडर हियर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यहां हमने क्या किया हुआ है, एक समान चुंबक के क्षेत्र कंसिडर किया है। अब क्या करना है सर, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम किसकी बात करेंगे, सर एक कंडक्टिंग रोड लेंगे, एक चालक छड़ लेंगे, क्या लेंगे, एक चालक छड़ कंडक्टिंग रोड लेंगे जो मूविंग पोजीशन में होगी। तो यहां हम क्या करते हैं, एक छड़ भी कंसिडर कर लेते हैं कि लेट्स सपोज यहां पर
एक कंडक्टिंग रोड है कौन पी क्यू, ये कौन है एक कंडक्टिंग रोड है जिसकी लेंथ लेट अस सपोज कितनी है स्मॉल एल, जिसकी लेंथ कितनी है स्मॉल एल। और साथ में हम क्या अज्यूम करेंगे कि ये क्या है मूविंग पोजीशन में है, ये क्या कर रही है सर मूविंग पोजीशन में है विद लाइन कांस्टेंट वेलोसिटी। ये जो कंडक्टिंग रोड है इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किस पोजीशन में है सर, मूविंग पोजीशन में है ठीक है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो हम मान लेंगे कि लेट अस सपोज ये जो रोड है ठीक है एक कंडक्टिंग रोड जिसकी लेंथ कितनी स्मॉल एल है, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ क्या कर रही है सर मूविंग पोजीशन में, क्या है सर मूविंग पोजीशन में है। तो इसके मूविंग के कारण, इसकी मूविंग के कारण यहां कितना इंड्यूस्ड वोल्टेज डेवलप होगा सर, वही हमें फाइंड आउट करना है, वही हमें क्या करना है सर फाइंड आउट करना है ठीक है। तो हम साथ में ये भी लेंगे ठीक है कि ये रोड अगर मूविंग पोजीशन में है तो शॉर्ट टाइम के आफ्टर डेफिनेटली ये न्यू पोजीशन में आएगी ठीक है। अगर ये मूविंग पोजीशन में है तो शॉर्ट टाइम के आफ्टर ये जो रोड है एक नई पोजीशन में होगी। तो आल्सो लेट कि ये जो रोड है वो मूव करती हुई मूविंग पोजीशन में है और कितने टाइम में डेल्टी टाइम में, कितने टाइम में बेटा डेल्टी टाइम में ये जो रोड है एक नई पोजीशन में आ जाती है और कहां पे आती है लेट अस कंसीडर हियर, ये है रोड की न्यू पोजीशन, ये रोड अपनी नई पोजीशन में है कहां पर पी डैक्स और क्यू डैक्स, कितने टाइम में आ जाती है डेल्टी टाइम में, कितने टाइम में आ जाती है डेल्टी टाइम में। तो रोड यहां से सर यहां तक मूव करके आती, रोड यहां से यहां तक क्या करती है सर मूवमेंट करती है, डिस्प्लेसमेंट होता है इसका। तो इसका डिस्प्लेसमेंट हम क्या मान लेते हैं सर, लेट अस सपोज x इसका क्या है डिस्प्लेसमेंट है, यहां पर x क्या है सर डेल्टी टाइम में जो कंडक्टिंग रोड है उसका डिस्प्लेसमेंट है, वो कितना डिस्प्लेसमेंट होकर नई पोजीशन में पहुंच गई ठीक है। तो अब इस मोशन के कारण, इस मूविंग के कारण यहां इस कंडक्टिंग रोड में एक इंड्यूस वोल्टेज डेवलप होगा, उस वोल्टेज को ही हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ कितना वोल्टेज डेवलप हो रहा है। तो देखो अभी तक अपने क्या किया, बहुत सिंपल सा है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंसेप्ट किया हुआ है जिसमें हमने एक कंडक्टिंग रोड ली है जिसकी लेंथ कितनी स्मॉल एल है और ये जो कंडक्टिंग रोड है वो क्या कर रही है सर मूविंग पोजिशन में है विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी, विद कॉन्स्टेंट लाइन वेलोसिटी वी ओके। और इसकी मूविंग ये भी कंसिडर कर लिया है कि लेट अस सपोज ये जो कनेक्टिंग रोड है डेल्टी टाइम में, डेल्टी टाइम में एक्स डिस्प्लेसमेंट होकर न्यू पोजीशन पी डैक्स क्यू डैक्स पर पहुंच जाती है। तो इसकी मूविंग के कारण यहां कितना वोल्टेज डेवलप होगा सर, वही हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो हमने क्या कंसिडर किया, बहुत सिंपल सा है, इन फ्लोइंग डायग्राम, इन फ्लोइंग, इन फ्लोइंग डायग्राम, इन फ्लोइंग डायग्राम ए कंडक्टिंग रॉड, ए कंडक्टिंग रॉड, ए कंडक्टिंग रॉड मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी कंडक्टिंग रॉड, रॉड ऑफ एल लेंथ, of L length is moving with constant velocity, with constant with constant velocity, constant velocity एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें एक एल एन की कनेक्टिंग रोड क्या कर रही है सर मूविंग पोजिशन में है, क्या सर मूविंग पोजिशन में है विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ठीक है।
इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, विद कांस्टेंट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। Perpendicular to the uniform magnetic field. Magnetic field. Okay. तो क्या मेंशन किया है? एक कंडक्टिंग रोड है जिसकी लेंथ इतनी स्मॉल एल है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी वी के साथ में क्या कर रही है सर? इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग पोजीशन में है, पर कैसे सर? परपेंडिकुलर। ये जो रोड है वो मूव कर रही है, पर कैसे सर? परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड कहां पे है सर? प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड या इनवर्ड। तो वाई क्या डायरेक्शन में कौन है आपका मैग्नेटिक फील्ड? तो ये जो रोड है सर वो कौन से डायरेक्शन मूव करेगी सर? अगर ये जेड है तो सर ये एक्स डायरेक्शन में या फिर ये वाई डायरेक्शन में मूव कर सकती है। तो रोड इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या कर रही है? मूव कर रही है। ओके नाउ तो जैसे ही देखो अभी मूविंग पोजिशन है तो डेफिनेटली डेल्टी टाइम में एक न्यू पोजिशन में आ जाएगी। तो also let road PQ in new position P dex Q dex after न्यू पोजिशन पी डेक्स क्यू डेक्स आफ्टर टाइम डेल्टी देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कंडक्टिंग रोड। लेट अस सपोज ये कंडक्टिंग रोड वी वेलोसिटी के साथ में डेल्टी टाइम में न्यू पोजिशन पी डेक्स क्यू डेक्स पर पहुंचती है तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कंडक्टिंग रोड then displacement of conducting rod in time dt is कितना होगा बताइए सर? कितना displacement होगा? तो बहुत simple है सर, ये कंडक्टिंग रोड वी वेलोसिटी के साथ, ठीक है, डेल्टी टाइम में मूविंग पोजीशन में है तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा सर? हम जानते हैं स्पीड इक्विवेलेंट क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितना होगा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमें निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो क्या होगा सर? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है? वी वेलोसिटी। टाइम कितना लगा? डेल्टी। तो सर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? स्पीड इंटू टाइम। तो कितना होगा सर? वी इंटू डेल्टी। तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट इन टाइम डीटी। तो अब हमें क्या निकालना है सर? अब हमें निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। क्या निकालना है? इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन निकालना है। तो निकालिए कितना आने वाला है एक्स। तो सर उससे पहले हमें अगर हम यहां पे इंड्यूस्ड वोल्टेज फाइंड आउट करना चाह रहे हो तो सर हम यहाँ फैराडे लॉ को यूज करेंगे। और फैराडे लॉ क्या कहता है सर? इंड्यूस जो वोल्टेज है सर वो कितना होता है? माइनस डी फाई अपॉन डीटी होता है। जो इंड्यूस वोल्टेज कितना होता है सर? वो होता है डी फाई अपॉन डीटी होता है। तो आप देखिए यहां से अगर हमें इंड्यूस वोल्टेज फाइंड आउट करना है तो पहले आप फाइंड क्या करोगे? मैग्नेटिक फ्लक्स। यहां इस रोड से ये कनेक्टिंग रोड इस PQ से कहां आ गई? P dex वाले पोजीशन में आ गई। तो इस ड्यूरेशन में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स इससे कनेक्टेड हुआ? इस यहां से यहां तक मूविंग पोजीशन में इस कनेक्टिंग रोड से कितना फ्लक्स कनेक्टेड हुआ
पहले वो फ्लक्स हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, और वो फ्लक्स फाइंड आउट करने के बाद में हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बहुत सिंपल सा है। पहले आप क्या देखें कि सर ये जो कंडक्टिंग रोड है पोजीशन PQ से न्यू पोजीशन PQ dash में आए, तो इस ड्यूरेशन में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स इससे कनेक्टेड होता है, लिंकड होता है, वो फ्लक्स फाइंड आउट करिए और फिर क्या करेंगे उसका सर डिफरेंशियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सर हमें क्या मिलेगा, सर इंड्यूस वोल्टेज फाइंड आउट हो जाएगा। तो पहले हम क्या निकाल रहे हैं सर, कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, विद द इन टाइम डेल्टा, डेल्टा टाइम में इस रोड से कितना फ्लक्स कनेक्टेड हो रहे। तो अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, हम निकालने जा रहे हैं ठीक है द मैग्नेटिक फ्लक्स, द मैग्नेटिक फ्लक्स, द मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकड लिंकड विथ कंडक्टिंग रोड, कंडक्टिंग रोड इन टाइम टी, इन टाइम dt is d phi, कितना होने वाला है सर, वो होगा b into dA, b into d, ये हमारे पास मिलने वाला है कि सर कितना फ्लक्स इससे लिंकड होगा, d phi कितना होगा b into dA, जहां हम पूरा राइट डाउन कर सकते हैं कि d phi तो कौन है सर, कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो जो d phi है सर वो तो कौन है सर, मैग्नेटिक फ्लक्स है सर, ये B कौन है सर, ये मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोल दीजिए सर, ये कौन है सर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, पर सर ये DA कौन है सर, DA कौन है, तो DA है डेल्टी टाइम में जो कवर्ड एरिया है इस रोड के द्वारा, कंडक्टिंग रोड ने कितना एरिया कवर्ड किया है, तो DA कौन है, कवर्ड एरिया बाय कंडक्टिंग रोड इन टाइम डेल्टी, ठीक है, तो ये कौन है सर, डीए कौन है सर, ये है कवर्ड, कवर्ड एरिया, कवर्ड एरिया बाय कंडक्टिंग रोड इन टाइम dt, इस डेल्टी टाइम में इसने कितना एरिया कवर किया, तो कुल मिलाके हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये वाला सर, ये जो एरिया है सर यही तो है आपका, ये एरिया इस रोड ने क्या किया है, कवर किया है, तो किसकी वैल्यू निकालेंगे, dA की, तो बताइए कितना होगा, तो सर अगर हम dA की वैल्यू निकालें, कवर्ड एरिया निकालें इसका dA, तो कितना आने वाला है, तो सर कवर्ड एरिया होगा इसका सर, ये देखो ये कौन है सर, ये है पी क्यू क्यू डैक्स और पी डैक्स, ये एक क्या बन रहा है सर, राइट एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है, आयता का एरिया है, तो सर इसका एरिया कितना होगा सर, लेंथ इंटू ब्रिथ, लेंथ इंटू ब्रिथ, तो लेंथ तो कितनी है इसकी एल, और सर ब्रिथ कितना है एक्स, तो आप देखो कवर्ड एरिया कितना होने वाला है, कवर्ड एरिया कितना होगा बताओ सर, डी ए, सर वो होगा लेंथ इनटू ब्रीथ, तो लेंथ तो कितनी इसकी एल, और सर ब्रीथ कितना है सर, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सर एक्स, तो ये होगा सर एल इनटू एक्स, बट हियर एक्स कौन है सर, डिस्प्लेसमेंट है, डेल्टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो सर वो कितना है सर, वो तो हमने निकाले सर बी इंटू डी टी, तो यहां पुट करें तो सर एक्स हियर कितना है सर, एक्स का डिस्प्लेसमेंट जो कितना है सर, बी डी टी है, तो पुट करें तो सर डी ए कितना आएगा हमारे पास सर, ये आ गया एल इंटू वी डी टी, तो आप देखो क्या हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया, कवर्ड एरिया फाइंड आउट कर लिया, अब वैल्यू कवर्ड एरिया को उठाओ और यहां पुट करें और क्या निकाल लें, कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या निकाल लें, कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स, या फिर क्या लिख लें, लिंकड फ्लक्स निकालो, लिंकड मैग्नेटिक फ्लक्स विद विद कंडक्टिंग रॉड, कंडक्टिंग
रोड इज, कितना आने वाला है तो डी वाई कोलम कितना आएगा सर? ये हमारे पास आ जाएगा बी इंटू किसके वैल्यू लिखते हो सर? कवर्ड एरिया कितना है सर? सर ये आ गया आपका कितना है सर? एल इंटू कितना है सर? बी डी बी। ओके तो सर हमने लिंकर्ड जो कलेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्सेस है वो फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करना है सर? कुछ नहीं, फैराडे लॉ यूज करना सर, इंड्यूस्ड वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो फैराडे लॉ क्या कहता है सर? इक्विवेलेंट कितना होता है? डी फाई अपॉन डीटी। ठीक है तो सिंपल है, डी फाई हमने फाइंड आउट कर रखा है, इसमें टाइम ड्यूरेशन का क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा सर? इंड्यूस वोल्टेज। तो बोल रहे ठीक है, इंड्यूस वोल्टेज फॉर कंडक्टिंग रॉड, क्या बोलेंगे? इंड्यूस वोल्टेज फॉर कंडक्टिंग रॉड फ्रॉम फैराडे लॉ, फ्रॉम फैराडे लॉ। तो अब क्या लिखने जा रहे हैं? इंड्यूस EMF in conducting rod, in conducting rod by Faraday law, Faraday law क्या कहता है Faraday law सर? E equivalent कितना होता है सर? ये हमारे पास होता है सर minus d phi upon dt। तो आप देखो यहां से हमें क्या करना है बताइए सर, हमें क्या करना है सर? ये डी फाई हमारे पास में है, इसमें डेल्टी का क्या करना है? डिवाइड करना है। तो डब्लप इंड्यूस वोल्टेज कितना आने वाला है सर? ई इक्विवेलेंट कितना आएगा सर? माइनस, और ये आ जाएगा सर ऊपर कौन है सर? ऊपर है आपका बी इंटू, और क्या है सर ये? एल इंटू वी डी टी, और अपॉन में कौन है सर? अपॉन में कौन है? dt। तो आप देखो इस dt से ये dt कैंसिल हुआ, तो इंड्यूस जो हमारे पास वोल्टेज डेवलप हुआ सर वो कितना हुआ सर? BLV। तो ये लीजिए हमने डेवलप इंड्यूस वोल्टेज फाइंड आउट भी कर लिया कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें L लेंथ की एक कंडक्टिंग रोड कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में क्या है सर? मूविंग पोजीशन में है। तो इसके मूविंग के कारण, इस रोड कंडक्टिंग रोड की मूविंग के कारण यहां कितना इंड्यूस वोल्टेज डेवलप होगा सर? वो कितना होगा सर? स्मॉल e बराबर कितना आएगा? BLV। और कुछ नहीं क्या, बहुत सिंपल सा है कि यहां हमने पहले क्या निकाला सर? कनेक्टेड फ्लक्स निकाल लिया कि डेल्टी टाइम में इस रोड से कितना फ्लक्स कनेक्टेड होगा, तो वो कितना होगा सर? B into dA। सर B into dA, तो dA कौन है? एरिया। तो एरिया क्या होता है? लेंथ इन टू ब्रिथ। तो L into X से पहले एरिया निकाल लिया और डेल्टी का उसमें डिवाइड किया, तो क्या आ गया सर? इंड्यूस वोल्टेज हमें फाइंड आउट हुआ। ठीक है, पर देखो अगर हम इसको थोड़ा सा आगे करें, ये है इसका स्पेशल केस। यहां हमने डायरेक्ट को लिया B into dA, जबकि होता है B dot A, BA cos theta होना चाहिए, लेकिन हेयर यहां थीटा कितना है? जीरो है, इसलिए डायरेक्ट हमने क्या लिया? बी डी ए हुआ। अगर ये किसी एंगल पे मूवमेंट करें तो एक्चुअल में इसका वेक्टर फॉर्म आएगा, यहां पे क्या आएगा? बी L क्रॉस B, क्या आएगा? सॉरी L B क्रॉस B, L क्या आएगा? B क्रॉस B। हम कह सकते हैं कि इसका हम वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं। यहां पर जो हमने अभी राइट डाउन किया है सर वो स्पेशल केस है, डेवलप वोल्टेज कितना होगा? BLV, जहां हम पूरा लिख सकते हैं। अगर हम कंप्लीट लिखना चाहें कंप्लीट यहां पे, और देखो क्या लिखेंगे, अगर हमारे पास फॉर्मूला आ गया है तो कितना आएगा देखो, ये हमने जो अभी डेवलप वोल्टेज निकाला सर वो कितना आया कि सर वो आया बी एल बी, वेयर इसको डिफाइन करें तो देखो स्मॉल ई कौन है आपका सर? ये है इंड्यूस वोल्टेज, या हम बोल सकते हैं ई एम एफ। सर बी कौन है सर? ये है मैग्नेटिक फील्ड,
मैग्नेटिक फील्ड है सर, ये एल कौन है? तो ये है लेंथ ऑफ रॉड, ठीक है, एल कौन है? लेंथ, लेंथ ऑफ रॉड। सर ये वी कौन है? सर ये है वेलोसिटी ऑफ रॉड, या पूरा बोलो लाइनर वेलोसिटी ऑफ रॉड, तो हम बोलेंगे ये कौन है? सर वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रॉड। तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्या हमने एक इंपॉर्टेंट मेजर क्या फाइंड आउट किया? बहुत सिंपल सा है कि इफ एल लेंथ की कंडक्टिंग रॉड बी मैग्नेटिक फील्ड में, एल लेंथ की एक कंडक्टिंग रॉड बी मैग्नेटिक फील्ड में अगर वी वेलोसिटी के साथ मूविंग पोजीशन में हो, वी वेलोसिटी के साथ में मूविंग पोजीशन में हो, तो यहां जो डेवलप वोल्टेज होता है, इंड्यूस वोल्टेज होता है सर, वो कितना होता है? बी एल वी। पर सबसे मस्ट कंडीशन है कि यहां जो कंडक्टिंग रोड है सर, वो क्या होना चाहिए सर? इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगी। क्या करेगी सर? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगी। तो हम यहां ऐसा कह सकते हैं कि ये है स्पेशल केस, यहां थीटा कितना था? 90। अब आप देखो इसका वेक्टर फॉर्म, इसी को हम लिखेंगे तो लिखेंगे, अगर हम इसका वेक्टर फॉर्म लिखें या सदिश रूप लिखें इसका, क्या लिखें इसका? वेक्टर फॉर्म। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो स्मॉल ई कितना आएगा? चलिए आएगा एल वी क्रॉस बी। क्या आएगा? एल वी क्रॉस बी। और कंप्लीट सॉल्व करोगे तो हम कहेंगे ई वाओ कितना आएगा? वी बी एल साइन ऑफ थीटा। कितना आएगा? वी बी एल साइन थीटा। यहां आप देखो जो ये कनेक्टिंग रोड है उसकी वेलोसिटी क्या है सर? मैग्नेट के क्या है? परपेंडिकुलर है। मैग्नेट के क्या है? परपेंडिकुलर। आप कह रहे हो कि जो मैग्नेटिंग कंडक्टिंग रोड है सर, वो मैग्नेट के क्या है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो यहाँ V और B आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। तो थीटा यहाँ पे कितना होगा? 90। और जैसे आप इसको साइन 90 करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? बी वी एल। तो ये जो रिजल्ट है वो स्पेशल रिजल्ट है, कब? जब कंडक्टिंग रोड मैग्नेटिक फील्ड या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करें तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं बी एल बी, और अगर ये किसी एंगल पे मूव होगा तो हमें लिखना पड़ेगा वी बी एल साइन ऑफ थीटा। तो ये सिंपल आर्टिकल हमने किया कि इंड्यूस ईएमएफ इन कंडक्टिंग रॉड मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब नेक्स्ट जो आर्टिकल होगा ये सेम टू सेम ही आर्टिकल है, एक कंडक्टिंग रोड होगी जिसकी लेंथ कितनी? स्मॉल एल है। पर डिफरेंस इतना सा होगा कि यहां जो ये कंडक्टिंग रोड है सर, वो क्या कर रही है सर? लाइन मूविंग है पर लाइनर वेलोसिटी, ये लाइनर मोशन कर रही है। क्या कर रही है सर? लाइनर मोशन कर रही है। अब क्या करेगी सर? ये रोड क्या करेगी? रोटेटिंग अवस्था में होगी, रोटेटिंग पोजिशन में होगी, रोटेट करेगी, ठीक है। तो जब रोटेटिंग पोजिशन में होगी तो कितना इंड्यूस वोल्टेज डेवलप होगा सर? वो हमें फाइंड आउट करना होगा नेक्स्ट टॉपिक। तो यही नेक्स्ट टॉपिक है, फाइंड आउट इंड्यूस वोल्टेज व्हेन एक कंडक्टिंग रोड क्या करे? रोटेटिंग अवस्था में हो, रोटेटिंग पोजीशन में हो, किसमें? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो आर्टिकल सेम ही है, वही मैग्नेटिक ये आपका कंडक्टिंग रोड का ही है, बस यहाँ कंडक्टिंग रोड क्या कर रही है सर? मूविंग पोजीशन में है, पर कौन सा मोशन है? लाइनर मोशन है। अब यहाँ अब कंडक्टिंग रोड क्या करेगी सर? रोटेट करेगी। इस यूनिफॉर्म फील्ड में क्या करेगी? रोटेट करेगी। तो रोटेटिंग पोजीशन में होगी तो उसमें कितना वोल्टेज डेवलप होगा सर? वो हमें फाइंड आउट करना है। तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखिए, टॉपिक होगा समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील, ठीक है, घूर्णित गतिशील चालक छड़ के कारण। क्या ऐड कर देंगे इसमें? सर इसमें ऐड कर देंगे घूर्णित गतिशील को क्या मूव कर दो? समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णित चालक छड़ के कारण
उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक वोल्टता या विद्युत वाहक बल। ओके, नाउ यहां हम लिखेंगे इंड्यूस्ड ईएफएम इन रोटेटिंग कंडक्टिंग रोड। क्या लिखेंगे? इंड्यूस्ड ईएफएम इन कंडक्टिंग रोटेटिंग कंडक्टिंग रोड। टॉपिक हमारा होगा इंड्यूस ईएमएफ इन कनेक्टिंग रोड। कनेक्टिंग रोड ठीक है, कनेक्टिंग रोड रोटेटिंग रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ये हमारा टॉपिक हो। टॉपिक क्या है? बहुत सिंपल सा है, आपको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेना है। क्या सबसे पहले क्या करेंगे सर? सिंपल बोल रहे हैं, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेनी सबसे पहले। ओके, एक कंडक्टिंग रोड लेंगे और वो कंडक्टिंग रोड क्या करेगी सर? रोटेटिंग करेगी। क्या करेगी सर? घूर्णित अवस्था में होगी। तो हमें क्या करना है सर? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करेंगे और उसमें एक कंडक्टिंग रोड क्या है सर? रोटेटिंग पोजिशन में है। तो इसके रोटेशन के कारण, कंडक्टिंग रोड के रोटेशन के कारण कितना इंड्यूस वोल्टेज डेवलप होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। देखो अभी जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उसमें हम एवरी आर्टिकल में हमें इंड्यूस वोल्टेज ही फाइंड आउट करना है। बस हमारे आर्टिकल डिफरेंट डिफरेंट होंगे। पहले हमने कंडक्टिंग रोड ली, उसको मूविंग पोजिशन कैसे करेगी सर? लाइनर मोशन कर रही थी। अब सर वही कंडक्टिंग रोड क्या करेगी? रोटेटिंग पोजिशन में आएगी तो कितना डेवलप होगा? फिर हम क्या लेंगे? डिस्क ले लेंगे सर। डिस्क रोटेटेबल पोजिशन में है तो इंड्यूस डेवलप इंड्यूस वोल्टेज कितना डेवलप होगा? तो सेम ठीक है, हमारा जो आर्टिकल्स है वो सॉरी जो ऑब्जेक्ट है वो तो एक ही होगा कि डेवलप इंड्यूस वोल्टेज फाइंड आउट करना। बस हमें जो आर्टिकल वो डिफरेंट डिफरेंट मिल रहे हैं। एक बार कंडक्टिंग रोड लाइनर मोशन में है, एक बार कंडक्टिंग रोड मूविंग पोजिशन में है, फिर एक बार क्या ले लेंगे हम लोग? डिस्क ले लेंगे, वो भी मूविंग पोजिशन में होगी। फिर नेक्स्ट आर्टिकल होगा एक रेक्टेंगल लूप होगी सर, वो मूविंग पोजिशन में होगी। ठीक है, तो सब में मोशन के कारण, सब में मोशन के कारण कितना वोल्टेज डेवलप होगा सर वो हमें निकालना है। तो देखो यहाँ पे क्या है सर, वापस से क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लीजिए, समान चुंबक के क्षेत्र फाइंड आउट करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर? हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर कर रहे हैं। कंसिडर हेयर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये कौन है सर? सर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन कहां पर है सर? बता दिया आपने सर, डायरेक्शन इस प्लेन की क्या है, इस बोर्ड की क्या है सर? परपेंडिकुलर। लेट अस कंसीडर हेयर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और जिसकी डायरेक्शन कहां पे है सर? इस प्लेन या बोर्ड की क्या है? परपेंडिकुलर है, या तो आउटसाइड साइड में या फिर इनवर्ड साइड में। अब क्या करना है सर? सर इस मैग्नेटिक फील्ड में आप क्या लें? एक कंडक्टिंग रोड लें। एक कंडक्टिंग रोड कंसिडर करें। तो लेट अस आल्सो कंसिडर कि हेयर ए, ये जो आपका है एक, ये कौन आपके एक रोड है, कंडक्टिंग रोड है जिसकी लेंथ लेट अस सपोज कितनी है? कैपिटल एल है। ये हमने एक कंडक्टिंग रोड ले ली। कौन है सर? पी क्यू। क्या ले लिया सर? एक कंडक्टिंग रोड ले ली पी क्यू, जिसकी लेंथ कितनी है सर? कैपिटल एल है। और ये कंडक्टिंग रोड क्या है सर? मूविंग पोजीशन में है, या ऐसे बोलो रोटेटिंग पोजीशन में। क्या है सर? घूर्णित अवस्था में है, घूम रही, रोटेटिंग कर रही है। तो सर ये रोड क्या कर रही है सर? रोटेट हो रही है विद कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। रोटेटिंग पोजीशन कर रही है, रोटेट अवस्था में है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, विद कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, विद कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। तो वो सिंपल सा आर्टिकल है कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें हमने एक कंडक्टिंग रॉड ले रखी है और ये क्या है सर? रोटेटिंग पोजीशन में है विद कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी।
तो इसकी रोटेटिंग पॉइंट रोटेटिंग इसके रोटेशन के कारण इस कंडक्टिंग रोड के रोटेशन के कारण इस रोड पर कितना इंड्यूस वोल्टेज डेवलप होगा, सर वही हमें फाइंड आउट करना है। पहले क्या था, लाइनर मोशन हो रहा था, तो लाइनर मोशन के कारण कितना डब वोल्टेज डेवलप हुआ, सर वो फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास वही आर्टिकल इतना सा है कि यहाँ जो कंडक्टिंग रोड है सर वो क्या है, सर रोटेटिंग पोजिशन में है, ठीक है, तो इसके रोटेशन के कारण यहाँ कितना वोल्टेज डेवलप होगा वही हमें फाइंड आउट करना, ठीक है। तो आर्टिकल क्या है, बहुत सिंपल सा है, इन फ्लोइंग डायग्राम। क्या देखा आपने सर, इन फ्लोइंग डायग्राम, इन फ्लोइंग डायग्राम, इन फ्लोइंग डायग्राम ए कंडक्टिंग कंडक्टिंग रोड ऑफ एल लेंथ, कंडक्टिंग रोड ऑफ एल लेंथ रोटेटिंग 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 विथ कॉन्स्टेंट विथ कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी विथ कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी इन विथ कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड उसने किया। बहुत सिंपल सा है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें एक कनेक्टिंग रोड है जिसकी लेंथ कितनी, कैपिटल एल है, और ये जो आपका कितनी लेंथ है, कैपिटल एल है, और ये जो रॉड है सर वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या कर रही है सर, रोटेटिंग पोजीशन में, किसमें है सर, रोटेटिंग पोजीशन में है, किसके मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या है सर, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या कर रहा है सर, रोटेटिंग पोजीशन में है, तो इसके रोटेशन के कारण, इसके रोटेशन के कारण यहां कितना इंड्यूस वोल्टेज डेवलप होगा सर वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या करना पड़ेगा सर, कैसे निकालेंगे, देखो सर इस तरह से रोटेट कर रहा है, ऐसे यू करके ऐसे रोटेट होगा, इस तरह से रोटेट होगी, ठीक है। अब हमें सर इंड्यूस वोल्टेज फाइंड आउट करना है, कैसे करें, तो देखो टू कैलकुलेट या टू डिटरमाइन इंड्यूस वोल्टेज वी कंसीडर, हम क्या करते हैं सर, इसके सेंटर पी से, इसका सेंटर है, इस सेंटर पी से स्मॉल एल डिस्टेंस पर क्या करेंगे, ये जो जिस सर्किल पे ये मूव कर रहा है उसके सेंटर से स्मॉल एल डिस्टेंस पर एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करो, एक स्मॉल एलिमेंट कौन, जिसकी लेंथ कितनी है, स्मॉल डीएल है, हमने एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया जिसकी लेंथ कितनी है, स्मॉल डीएल है, और वो क्या कर रहा है सर, तब वो मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है विद कांस्टेंट लाइनर वेलोसिटी स्मॉल बी, क्या किया सर, कंप्लीट कंडक्टिंग रोड के कारण इंड्यूस वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया सर, रोड के सेंटर से स्मॉल एल डिस्टेंस पर, स्मॉल एल डिस्टेंस पर हम क्या करते हैं, एक स्मॉल लाइन एलिमेंट कंसीडर करेंगे, एक स्मॉल लाइन एलिमेंट कंसीडर करो जिसकी लेंथ कितनी है, स्मॉल डीएल है, और ये जो एलिमेंट है सपोज करो वो क्या कर रहा है सर, मूविंग पोजीशन में है, किस वेलोसिटी के साथ, सर देखो एंगुलर वेलोसिटी तो कितनी है इसकी, ओमेगा, लेकिन जब
कोई कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग पोजीशन में होता है, रोटेटिंग पोजीशन में होता है, तो सर उसके पास एंगुलर वेलोसिटी भी होती है और सर उसके पास में लाइनर वेलोसिटी भी होती है, कोणीय वेग भी होता है और रेखीय वेग भी होता है। तो इसका कोणीय वेग तो कितना है, एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा, पर जो इसका लाइनर वेलोसिटी सर मान लेट सपोज कितना है, वो वी है। तो हमने क्या किया सर, इंड्यूस्ड वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए सेंटर से स्मॉल एल डिस्टेंस पर एक स्मॉल लाइन एलिमेंट कंस्ट्रक्ट किया जिसकी लेंथ स्मॉल डीएल है और साथ में ये माना कि वो लाइनर वेलोसिटी वी के साथ में क्या है, मूविंग पोजीशन में है। तो फिर यहां इंड्यूस्ड वोल्टेज कितना डेवलप होगा, क्या होगा सर, यहां इंड्यूस्ड वोल्टेज कितना डेवलप होगा सर, वो कैसे निकाले। तो इंड्यूस्ड वोल्टेज कैसे निकालेंगे, तो पहले हम लिख रहे हैं कि टू फाइंड इंड्यूस वोल्टेज या इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ वी कंसीडर Consider a small line element dl at L distance, which is L distance from center. क्या किया सर, इंड्यूस वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए इसके सेंटर से स्मॉल एंड डिस्टेंस पर एक लाइन एलिमेंट कंसीडर किया। तो इस लाइन एलिमेंट के कारण कितना वोल्टेज डेवलप होगा सर, वो कितना होगा, तो बहुत सिंपल हम बोलेंगे देन इंड्यूस EMF या induced voltage for line element कितना होगा बताइए, induced voltage कितना होगा, तो सर वो होगा small d e equivalent कितना होगा b v d l, हमने लिख भी दिया कि इस लाइन एलिमेंट डीएल के कारण सर यहां कितना वोल्टेज डेवलप होगा, सर वो होगा बी वी डी एल। देखो यहां तक समझ में आया होगा, बहुत सिंपल सा है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक कंडक्टिंग रोड जिसकी लेंथ कितनी है, कैपिटल एल है, वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा में क्या है, रोटेटिंग पोजीशन में है। तो इसके रोटेशन के कारण हमें क्या निकालना है, इंड्यूस्ड वोल्टेज फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमने क्या किया सर, रोड के सेंटर से या सॉरी इस सर्कुलर जो सर्किल में मोशन हो, सर्किल के सेंटर से स्मॉल एल डिस्टेंस पर एक स्मॉल लाइन एलिमेंट डीएल कंसीडर किया जिसकी लाइन वेलोसिटी कितनी है, वी है। तो सर इस लाइन एलिमेंट के कारण कितना इंड्यूस डेवलप होगा, पहले इस एलिमेंट का निकालिए, फिर एलिमेंट का निकल जाएगा तो कंप्लीट रोड का भी फाइंड आउट कर लें। पहले हम इंड्यूस वोल्टेज किसका निकाल रहे हैं सर, इस स्मॉल एलिमेंट डीएल का जिसकी लाइन वेलोसिटी कितनी है, वी है। तो उसके लिए वोल्टेज कितना होगा सर, वो होगा बी वी डीएल। तो ये कहां से लिया, तो देखो हमने लास्ट आर्टिकल किया, क्या किया था आप याद करिए, तो ये कौन था सर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था। तो हमने आर्टिकल क्या था कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई एल लेंथ कितनी है इसकी, एल लेंथ की एक कनेक्टिंग रोड, एल लेंथ की एक कनेक्टिंग रोड बी मैग्नेट में अगर वी वेलोसिटी के साथ क्या हो, मूविंग पोजीशन में हो। देखो एल
लेंथ की कंडक्टिंग रॉड, बी मैग्नेटिक फील्ड में, बी वेलोसिटी के साथ, बी वेलोसिटी के साथ अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूविंग पोजीशन में है तो यहां कितना इंड्यूस वोल्टेज डेवलप होगा, सर वो होता है बी वी एल, हमने कर लिया था एल लेंथ की रॉड, बी मैग्नेट में, बी वेलोसिटी के साथ क्या करें मूव करें, तो कितना वोल्टेज डेवलप होता है सर बी वी एल। तो आप बताओ क्या यहां ये आर्टिकल अप्लाइड नहीं हो रहा है क्या? इसी को हमने यहां यूज किया कि एल लेंथ की रॉड बी मैग्नेट में बी वेलोसिटी के साथ क्या हो रहा है सर मूविंग पोजिशन में है तो वोल्टेज कितना डेवलप होता है सर बी वी एल। तो यहां यही तो आर्टिकल है कि ये स्मॉल डी एल लेंथ का एलिमेंट है, स्मॉल डी एल लेंथ का एलिमेंट है v velocity के साथ, v velocity के साथ इस मैग्नेटिक फील्ड b में, इस मैग्नेटिक फील्ड b में क्या है सर मूविंग पोजीशन में है, तो ये dl लंबाई का एलिमेंट v velocity के साथ b मैग्नेट में मूविंग पोजीशन में है तो कितना वोल्टेज डेवलप करेगा सर सिंपल bvl, पर यहां लेंथ कितनी है dl है इसलिए क्या बोला BVDL, तो ये हमने निकाल भी दिया। बहुत सिंपल सा आर्टिकल यूज किया कि यहां लाइन एलिमेंट DL B मैग्नेट में B वेलोसिटी के साथ मूविंग पोजीशन में है तो इसके कारण जो इंड्यूस वोल्टेज होगा सर कितना होगा BVDL होगा। पर आप देखिए हम यहां यूज करना चाह रहे हैं सर ये जो V है सर वो कौन है, तो सर V है लाइनर वेलोसिटी। देखो एक तो होता है लाइनर वेलोसिटी, एक होता है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, और ये हमने इनमें रिलेशन फाइंड आउट कर रखा है 11th क्लास में आपने स्टडी किया होगा रिलेशन बिटवीन लाइनर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी कितना होता है सर v बराबर होता है ओमेगा इनटू स्मॉल r, v बराबर कितना होता है ओमेगा इनटू स्मॉल r, ये है लाइनर वेलोसिटी ये है एंगुलर वेलोसिटी और r क्या है जिस सर्किल पे ये मूव कर रहे उसका क्या है रेडियस है। ठीक है क्या है सर देखो ये इस तरह से होता है ये लिखिए सर यहां पे है सर ये r रेडियस है सर ये इसकी क्या है लाइनर वेलोसिटी है और एक और है सर एंगुलर वेलोसिटी है तो v बराबर कितना आया सर ओमेगा इनटू r, v बराबर कितना आता है ओमेगा इनटू r होता है जहां v लाइनर वेलोसिटी होती है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है और r क्या होता है सर रेडियस होता है तो देखो v इक्विवेलेंट क्या है ओमेगा इनटू r। तो यहां पर अगर हम देखें तो सर ये एलिमेंट क्या इस सर्किल पे मूव कर रहा है आप देखो इस सर्किल पे ये जो लाइन एलिमेंट dl है सर वो इस सर्किल पे मूव कर रहा है तो यहां जिस सर्किल पे वो मूव कर रहा है अगर हम उस सर्किल की रेडियस देखें तो सर वो कितनी आ रही आप देखो इस सर्किल पे मूव कर रहा है तो सर इस सर्किल का जो रेडियस है वो कितना होगा सर आप देखो स्मॉल l ये इसकी लेंथ रेडियस के बराबर होगा तो हम यहां कह सकते हैं हेयर क्या बोलेंगे सर हेयर हेयर स्मॉल r विल बी इक्विवेलेंट स्मॉल l ठीक है लाइनर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी और r क्या है रेडियस ऑफ सर्किल कौन सा सर्किल जिस सर्किल पर ये रोटेटिंग पोजीशन में है तो सर यहां रेडियस किसको जा रहा है स्मॉल l को तो यहां आप स्मॉल l डालिए तो d e कितना आ जाएगा तब यहां हम लिखेंगे तो v बराबर कितना आएगा सर ओमेगा इनटू l। अब आप यहां पुट करें सर d e हमारे पास कितना आया सर ये आ गया v इनटू कितना आएगा सर ओमेगा l और साथ में कौन है dl साथ में कौन है dl। तो ये अभी तक हमने क्या कर लिया सर ये हमने कर लिया इस स्मॉल लाइन एलिमेंट के लिए एक स्मॉल एलिमेंट था उसका हमने डेवलप वोल्टेज फाइंड आउट कर लिया इंड्यूस वोल्टेज फाइंड आउट कर लिया पर सर हमें तो एक लाइन एलिमेंट का नहीं चाहिए सर हमें तो कंप्लीट रोड का चाहिए इस पूरी कंडक्टिंग कंप्लीट जो कंडक्टिंग रोड है सर उसका कितना होगा तो ये तो हम बहुत बार यूज करते हैं कि हम स्मॉल एलिमेंट पे काम करेंगे और अगर कंप्लीट पे जाना है तो क्या कर दो उसका इंटीग्रल कर दो क्या कर दो उसका इंटीग्रल तो हमने स्मॉल लाइन एलिमेंट के लिए निकाल लिया वोल्टेज सो डीई आ गया। अब हमें चाहिए क्या कंप्लीट वोल्टेज ई तो क्या करना पड़ेगा सर इसका इंटीग्रल तो जैसे आप डीई का इंटीग्रल करेंगे तो क्या आ जाएगा ई आ जाएगा। तो ध्यान रखना ये हम बहुत बार यूज करते हैं कि लाइन एलिमेंट पे काम कर लीजिए और अगर हमें कंप्लीट पे चाहिए तो उसका क्या करते हैं इंटीग्रल करते हैं। तो अगर हम इक्वेशन वन का क्या कर देंगे इंटीग्रल कर देंगे तो सर वो इंड्यूस वोल्टेज किसका होगा कंप्लीट रोड का होगा। तो अब हम लिखने जा रहे हैं क्या इंड्यूस वोल्टेज या ईएमएफ और
कंप्लीट कंप्लीट कंडक्टिंग रोड, कंडक्टिंग रोड इज कितना होगा सर, कैसे निकालेंगे सर? बता दिया आपने, बहुत सिंपल है सर, इंटीग्रल करिए तो ई इक्विवेलेंट कितना आएगा सर? इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा? बी ओमेगा एल डी एल, बी ओमेगा एल डी एल। अब क्या होता है सर बताइए सर, अब हम क्या करेंगे सर? बहुत सिंपल सा है सर, इसमें हमें क्या करना है सर? अब इंटीग्रल करना है, क्या करना है? इंटीग्रल। तो इंटीग्रल में क्या होता है सर? कॉन्स्टेंट जो नंबर होते हैं सर, उसको इंटीग्रल साइन के बाहर लेकर जाएंगे और इनसे जो वेरिएबल है सर उनका क्या हो जाएगा? इंटीग्रल हो जाएगा। तो कॉन्स्टेंट नंबर को बाहर निकालिए और अंदर वाले का क्या करना है? समाकलन करना है, इंटीग्रल करना है। तो बताइए कौन कौन बाहर जाएगा सर? आप देखो, एक तो सर मैग्नेटिक फील्ड, एक एंगुलर वेलोसिटी सर। मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है? कॉन्स्टेंट। एंगुलर वेलोसिटी भी क्या है? कॉन्स्टेंट। तो सर दोनों ही इंटीग्रल साइन के आउट आएंगे और इनसाइड कौन होगा? केवल एल डी है, और होगा एल डी है। अब सर यहाँ हमें लिमिट भी पुट करनी पड़ेगी, यहाँ हमेशा क्या करता है लिमिट भी पुट करना होता है। लिमिट देखिए क्या होगा सर, लिमिट देखो आप कि जो हमने यहाँ एलिमेंट कंसिडर किया, ये जो हमने स्मॉल डीएल एलिमेंट लाइन एलिमेंट कंसिडर किया सर, वो कहां से कहां कर सकते हैं? तो देखो सर यहां से कर सकते हैं सर, या तो एलिमेंट यहां कंसिडर करें, या फिर यहां कर लें, या फिर यहां कर लें, या फिर यहां कर लें, और या फिर यहां कर लें। तो कुल मिला के इस कंप्लीट रोड पर, इस कंप्लीट रोड पर एलिमेंट कहीं भी कंसिडर किया जा सकता है। तो जो इसकी लिमिट आएगी सर वो क्या होगा सर? सेंटर पे जो हम कह सकते हैं एल, कहां से सर? यहां सेंटर पे आर कितना? जीरो। तो सर जीरो से कंप्लीट रोड पर आप लाइन एलिमेंट कहीं भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये कितना आएगा सर? जीरो टू कैपिटल एल। इसकी कंप्लीट लेंथ कितनी? कैपिटल एल है। तो सर जीरो से कैपिटल एल लेंथ तक आप लाइन एलिमेंट कहीं भी कंसिडर कर सकते हैं। तो उसकी लिमिट क्या आएगी? तो ये आएगा जीरो से कैपिटल एल। क्या आने वाला है सर? तो ये आएगा जीरो से कैपिटल एल आएगा। दैट्स ऑल। तो कुछ नहीं किया, पहले हमने क्या लिखा सर? स्मॉल लाइन एलिमेंट का क्या निकाला? डबल वोल्टेज। तो बहुत बहुत सिंपल है सर, ये आर्टिकल यूज किया हमने बीवीएल की। यदि एल लेंथ की रॉड बी मैग्नेट में बी वेलोसिटी के साथ मूव करे तो कितना होता है सर? वो होता है सर बीवीएल होता है। तो यहाँ क्या था सर? डीएल लेंथ का एलिमेंट था जो बी मैग्नेट में v वेलोसिटी से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो यहां पे कितना आएगा सर? bvdl। और v कितना होता है सर? v होता है लैटरल वेलोसिटी सर। कितना होता है सर? ओमेगा इनटू r। ठीक है, लैटरल वेलोसिटी क्या होता है सर? ओमेगा इनटू r होता है। पर हियर r क्या है सर? r है जिस सर्किल पे ये लैटरल मूव कर रहा है उसका रेडियस। तो कितना सर r बराबर कितना है यहां पे? l है। तो हियर r बराबर l। तो v ओमेगा इनटू पुट किया और अब क्या कर रहे हैं सर? इंटीग्रल कर रहे हैं। ये किसका था? स्मॉल लाइन एलिमेंट का, और हमें चाहिए कंप्लीट रोड का। तो क्या कर दिया? ऐसा इंटीग्रल कर दिया। अब करिए सर कितना आएगा? तो अब देखिए इसकी लेंथ कितनी है? 1 है। तो इंटीग्रल करो कितना आएगा सर? ये आएगा b ओमेगा, और इसका सर इंटीग्रल कितना आएगा सर? जानते हैं सर, जो भी पावर है एक पावर इंक्रीज करो और उसी पावर को क्या करो? डिवाइड करो। तो कितना आएगा सर? ये आएगा l स्क्वायर बाय 2। l स्क्वायर बाय 2 हम जानते हैं, देखो यार x की पावर n क्या होता है सर? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। जो भी पावर है एक पावर इंक्रीज करो और उसी पावर को क्या करो? डिवाइड कर। तो बताओ यहाँ पे कितनी पावर है? 1। तो यहाँ पे क्या आएगा? एल की पावर 1 प्लस 1, और डिवाइड भी क्या आएगा? 1 प्लस 1। तो कितना आएगा? एल स्क्वायर बाय 2। तो कुल मिला के कितना आएगा? और लिमिट क्या है सर? 0 टू एल। अब क्या करना है सर? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या करना है सर? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो कितना आएगा स्मॉल ए? कितना आने वाला है सर? ये आएगा बी ओमेगा। और सर क्या करना है सर? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एक बार स्मॉल एल को कैपिटल एल, और एक बार स्मॉल एल को जीरो। तो एक बार आएगा कैपिटल एल स्क्वायर बाय 2 और माइनस ये हो गया अपर लिमिट। एक बार एल को एल और एक बार एल को जीरो। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जब स्मॉल एल क्या पुट करेंगे? जीरो। तो क्या आएगा सर? जीरो स्क्वायर अपॉन 2। तो क्या आएगा? जीरो ही आ जाएगा सेकंड टाइम। तो ये हमने कर लिया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हमारे पास जो इंड्यूस वोल्टेज है सर वो कितना आया सर? वो आया बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। तो ये लो हमने फाइंड आउट कर भी लिया। ये क्या देखा हमने? एक क्या फाइंड आउट किया सर? डेवलप इंड्यूस वोल्टेज, डेवलप इंड्यूस वोल्टेज ड्यू टू सर एक कंडक्टिंग रॉड है जो क्या है सर? रोटेटिंग पोजीशन में है इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक कंडक्टिंग रॉड जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या है सर? रोटेटिंग पोजीशन में है, रोटेटिंग पोजीशन में है। तो उस रोटेशन के कारण
कितना वोल्टेज डेवलप होगा, सर वो होगा ये b ओमेगा l स्क्वायर बाय 2, जहां हम पूरा पुट कर सकते हैं e कौन है इंड्यूस वोल्टेज, b कौन है मैग्नेटिक फील्ड, ओमेगा कौन है एंगुलर वेलोसिटी, l कौन है लेंथ ऑफ रोड या कंडक्टिंग रोड। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अपन आगे लेके चल सकते हैं। देखो लेके चलिए क्या कर सकते हैं, देखिए क्या निकाला अपन ने। सर अभी निकाला हमने E इक्वलेंट कितना था, सर ये था B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2, वेयर पूरा लिख सकते हैं। सर E कौन है, सर ये तो है इंड्यूस EMF, इंड्यूस वोल्टेज बोल दीजिए। सर B कौन है, सर ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। सर ये ओमेगा कौन है, सर ये है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। सर ये एल कौन है, सर ये है लेंथ ऑफ रोड, एल कौन है, सर ये है लेंथ, लेंथ ऑफ रोड कनेक्टिंग रोड। ठीक है, हो गया। तो ये हमने कंप्लीट किया, ये था कि If कोई L length की conducting rod है जो B magnet में constant angular velocity से rotating position में है, तो उसकी rotation के कारण कितना voltage develop होगा, कितना induction voltage develop होगा, कितना EMF develop होगा, सर वो हमने find out किया। ठीक है, और ये जो induced voltage है सर आप देखो अभी किसकी term में है, सर वो in terms of length look out हो रहा है आपको, या in terms of angular velocity। अभी जो हमने फॉर्मूला डेवलप कर रखा है सर वो इंड्यूस्ड वोल्टेज है, पर इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ रॉड एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। हम इसको एक डिफरेंट फॉर्म में भी लेके चल सकते हैं, क्या कर सकते हैं सर, वी नो हम जानते हैं, वी नो क्या जानते हो सर, ओमेगा विल बी क्या 2 पाई एन होता है हम जानते हैं, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है 2 पाई एन, जहां एन कौन है फ्रीक्वेंसी, एन कौन है फ्रीक्वेंसी ऑफ रॉड। ठीक है, तो अगर हम ये पुट करें तो स्मॉल e कितना आने वाला है सर, हमारे पास b इनटू क्या आएगा सर 2 पाई m, और इनटू में कौन है सर l स्क्वायर, और कौन में कौन है सर 2, कुछ नहीं किया सर। अब बिना हम जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या होता है 2 पाई n होता है, जहां n कौन है फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है, ये तो है कोणीय वेग, और n कौन है फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति है, तो सर ओमेगा क्या होता है 2 पाई n होता है। तो पुट करें तो आप देखो क्या 2 से 2 कैंसिल हो गया क्या, तो अब हमारे पास में जो इंड्यूस वोल्टेज है वो कितना आया हमारे पास सर, ये आ गया बी एन, और इनटू में आप लिखो तो ये है सर पाई एल स्क्वायर, कुछ नहीं किया सर, बी इनटू एन, बी मैग्नेटिक फील्ड, एन फ्रीक्वेंसी, और सर हमने पाई को एल स्क्वायर सर राइट डाउन किया, तो उससे क्या होगा आप देखो, ये कौन था आपका सर मैग्नेटिक फील्ड है, ये था आपका, और सर इसमें ये कंडक्टिंग रोड है ऐसे एल लेंथ की, जो क्या कर रही है सर मूविंग पोजीशन, सर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ में क्या कर रहा है मूविंग पोजीशन है, तो सर ये पाई एल स्क्वायर कौन है, पाई एल स्क्वायर कौन है, तो आप देखो ये है कवर्ड एरिया ऑफ दिस सर्किल, जिस सर्किल पर ये रोड रोटेटिंग पोजीशन में है सर उसका एरिया है, क्या है सर ये एरिया है, कवर्ड एरिया बाय द रोटेटिंग रोड, तो ये क्या होता है सर, ये होता है सर पाई आर स्क्वायर, क्या होता है सर ये पाई एस पर होता था, पर यहाँ पे जो रेडियस है वो कितना है एल है, तो आप देखो ये क्या होगा ए, पाई एस पर एक कोण ए है, तो स्मॉल ई कितना आएगा सर बी ए एन, कितना आने वाला है बी ए एन, तो ये भी इंड्यूस वोल्टेज का फॉर्मूला होगा, इंड्यूस वोल्टेज की फॉर्म होगी सर, इंड्यूस वोल्टेज ये भी होता है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, ये इन टर्म्स ऑफ क्या है लेंथ और एंगुलर वेलोसिटी, और इसको हम अगर ओमेगा की वैल्यू पुट करें तो सर ये भी आएगा बी ए एन, जहां हम कह सकते हैं कि सर ये भी इंड्यूस वोल्टेज है, पर ये इन टर्म्स ऑफ क्या है एरिया या फ्रीक्वेंसी के टर्म, ये है फ्रीक्वेंसी के टर्म में, फ्रीक्वेंसी और एरिया के टर्म में, और सर वो किसके टर्म में है सर, वो है एंगुलर वेलोसिटी और लेंथ के टर्म में, तो कई बार हम न्यूमेरिकल यहां से कर लेंगे, कई बार न्यूमेरिकल यहां से सॉल्व करेंगे, वो डिपेंड करेगा गिवन वैल्यूज पर कि हमें कौन कौन सी वैल्यू गिवन है, अगर हमें वो लेंथ और एंगुलर वेलोसिटी गिवन करेगा तो यहां से हम इंड्यूस वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे,
और इफ अगर उसने क्या किया है, हमें एरिया गिवन किया है या फ्रीक्वेंसी गिवन कर रखी है, तो फिर हम लोग इंड्यूस वोल्टेज यहां से कैलकुलेट करेंगे। तो हम ध्यान रखना दोनों की फॉर्मूले यूज करेंगे, कभी हम यहां काम कर लेंगे कभी हम यहां काम कर लेंगे, वो डिपेंड करेगा गिवन वैल्यूज पर। अगर हमें लेंथ और ओमेगा मिला हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी मिली हुई, तो यहां से वर्क करेंगे, और अगर वो किसकी बात करता है, एरिया की बात करता है या फ्रीक्वेंसी की बात करता है, तो फिर हमें यहां पर आना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल कर लिए कि एक बार हमने कंडक्टिंग, दोनों ही केस में क्या था, कंडक्टिंग रोड थी, बस एक बार वो क्या है लाइनर मोशन कर रही थी, लाइनर मोशन था ठीक है, और सेकंड में क्या किया उसने बताइए, रोटेटिंग पोर्शन भी ठीक है। तो लाइनर मोशन में भी इंड्यूस वोल्टेज डेवलप हुआ, फाइंड आउट कर लिया, जब फिर उसको क्या किया सर, रोटेट पोर्शन भी करा कि रोटेटिंग करें तो भी इंड्यूस वोल्टेज डेवलप होगा सर, वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट आर्टिकल क्या है सर, हम एक डिस्क लेंगे, क्या लेंगे, एक कंडक्टिंग डिस्क लेंगे, चालक चक्की लेंगे, जो क्या करेगी सर, रोटेटिंग पोजीशन में होगी सर, वो भी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, तो सर उसके कारण इंड्यूस वोल्टेज क्या होगा। तो यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि एक कंडक्टिंग डिस्क है ठीक है, जो क्या कर रही है सर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या है सर, रोटेटिंग पोजिशन में है, तो सर उसके रोटेशन के कारण कितना वोल्टेज डेवलप होगा, वो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल में होगा। ओके बेटा, थैंक यू।